أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم، إنه كان صديقا نبيا. ترجمة. और आप कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्कीरा करें, वो यकीनन फौरन तस्दीक करने वाले पैगंबर थे। अजीज बुजुर्गों, सूरह मरियम की ये आयत नंबर 41 तिलावत की है। अब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो था वो मुकम्मल हो गया। अब यहाँ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और दूसरे नबियों के भी किस्से यहाँ से शुरू हो रहे हैं। आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी आएगा, मुख्तसरन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, इनके किस्से मुख्तसर मुख्तसर आएंगे, लेकिन इब्तिदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। वजह उसकी यह है कि देखिए, ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया और यहूद ने इसके बरक्स नाउज़ बिल्ला क्या क्या बातें कही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। और जो शिर्क करने वाली कौमें थी, मुशरिकीन जो थे, उन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाई, यानी अल्लाह के लिए औलाद घड़ दी उन्होंने। लिहाजा अब अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम की रहनुमाई के लिए, इनकी हिदायत के लिए एक ऐसे पैगंबर का जिक्र कर रहे हैं जो तौहीद के अलमबरदार थे और जिनका नाम हर कौम बहुत इज्जत और एहतराम से लेती है, जिनकी तरफ निस्बत करने को हर कौम अपने लिए फख्र समझती है। मुसलमान तो तमाम अंबियाए किराम के यूं समझ लीजिए इज्जत करने वाले हैं, तमाम अंबियाए किराम पर ईमान रखते हैं, तमाम अंबियाए किराम का दिल से एहतराम करते मुसलमान। यहूद और नसारा ये भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत ही एहतराम के साथ नाम लेते थे, बल्कि कुरान मजीद में अलग अलग जगहों पर है कि ये अपनी निस्बत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ करते थे और इसको फख्र से बयान करते थे। जैसे हमारी पीढ़ी में, हमारी नस्ल में कोई बहुत बड़ा शख्स गुजरा हो, बहुत बड़ा शख्स, तो हम अपनी निस्बत उनकी तरफ करते हैं कि पता है हमारा ताल्लुक किन से है, उनसे है हमारा ताल्लुक, तो फुला से। तो ये यहूद और नसारा अपनी निस्बत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ करते थे, इसलिए कि बनी इसराइल यहूद जो हुए हैं वो आगे जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद ही होते हैं सारे के सारे। इसलिए कि याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद हुई बनी इसराइल, उससे बने, और याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, तो यानी बनी इसराइल यहूद जो है वो वास्ता दर वास्ता जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलते, और नसारा का भी मामला इसी तरीके से ये उन्हीं से है। तो अलगर्ज इन तमाम से ये बात कही जा रही है कि जिस पैगंबर की तरफ तुम अपनी निस्बत करने को फख्र समझते हो, जिस पैगंबर का नाम तुम बड़े एहतराम से लेते हो और जिस पैगंबर की तुम बहुत ज्यादा इज्जत करते हो, उन पैगंबर की जिंदगी और उनके हालात को जरा उठाकर देख लीजिए कि उनकी जिंदगी कैसी। तौहीद के बड़े जबरदस्त आलमबरदार थे। यहां अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्किरा किया है, फरमाया कि आप तस्किरा कर दीजिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। दो सिफत इनकी बयान की और उसके बाद एक वाकिया जो इनके वालिद और इनके कौम के साथ पेश आया है यहां पर वो बयान हुआ है। बाकी कुरान में अलग अलग जगहों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र अलग अलग तरीके पर आया है। तो अलगर्ज यहां पर जो वाकिया वो तो आगे आएगा, अभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो सिफतें बयान हुई। पहली सिफत कि वो पैगंबर थे, जाहिर सी बात है नबी थे, अल्लाह तबारक व तआला के बरगुजीदा पैगंबर थे, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं अपने बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का समरा हूं, कि मेरे वालिद मेरे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की जब तामीर मुकम्मल की उसके बाद अल्लाह से मांगा था मुझे, तो मैं उनकी दुआ का नतीजा हूं। और दूसरी और सबसे अहम जो सिफत
यहां पर जिक्र की है कि वो सिद्दीक थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिद्दीक थे। हर नबी सिद्दीक होता है। सिद्दीक का क्या मतलब? दो बातें हैं सिद्दीक के मतलब में। सिद्दीक का तर्जमा दो तरह का होता है। एक तो होता है बहुत तस्दीक करने वाला, यानी सच्ची बात जो सामने आ जावे उसको कबूल करने वाला हो, उसको कहते हैं सिद्दीक। यानी जो बात भी अल्लाह की तरफ से पहुंचे, जो बात भी वही के जरिए से आवे, वो फौरन बस अल्लाह हम कर गुजरते हैं। इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाकियात उठाकर देखें, कैसे 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 वाकियात पेश आए, लेकिन फौरन बात मान ली, फौरन तस्दीक, न उसमें चीनो चिरा कि अल्लाह ये ऐसा, इसका कोई बदल मिल जावे, अल्लाह इसका कोई और कोई और इसका ऑप्शन इसमें मिल जावे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर हुक्म आया अल्लाह की तरफ से कि आप अपनी बीवी और बच्चों को एक जंगल के अंदर छोड़ाए, खाना काबा अभी जहां आबाद है कि जिसकी आबादी से पूरी दुनिया आबाद है, लेकिन जिस जमाने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर आ रहे, तो ये दो के अलावा कोई नहीं था वहां। चटियल जंगल मैदान, न पानी न घास न कोई चीजें। ये कोई मामूली बात है माँ और बेटे को छोड़कर जाना, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया। कुछ वक्त गुजरा, फिर हुक्म आ रहा है कि जो बेटा आंखों का तारा बना हुआ है अब उसे अल्लाह के नाम पर जबाह करना है। सिखाए किसने थे इस्माइल को आदाब फर्जंदी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये। तो अलगर्ज अजीज बुजुर्गों, कहने का माहसल ये है कि जब कोई पैगाम अल्लाह की तरफ से आवे तो उसमें कोई सोच विचार नहीं, कोई तरद्दुद नहीं, कोई शक नहीं, उसको फौरन करने वालों। और ये सिफत बहुत बड़ी सिफत है, अल्लाह जिसको देते हैं ये बहुत बड़ी सिफत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को यह सिफत, ये वस्फ खास तौर पर मिला था। और हर नबी में यह वस्फ तो होता ही है। इसलिए आप देखें, जहां कहीं बहुत ऊंचा मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई बंदा ये अमल करेगा, जैसे सच्चा अमानतदार तिजारत बिजनेसमैन सच्चा हो, अमानतदार हो, तो उसको सिद्दीकीन के साथ मकाम मिलेगा। और सिद्दीकीन का मकाम क्या है? नबुवत, नबियों का मकाम जहां से खत्म होता है उसके बाद फौरन जो मर्तबा शुरू होता है उसको सिद्दीक का मकाम कहते हैं, जिसकी मिसाल बाज़ अकाबिरीन ने बहुत प्यारी बयान फरमाई है कि देखिए, जो सिद्दीक होता है यानी नबी के अलावा, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ये सिद्दीक थे, तो इनमें और नबी में फर्क क्या है? इनके मकाम को समझना हो तो समझाया कि सिद्दीक जो है हजरत, वो नबी तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर नबी को शीशे और आईने के सामने अगर खड़ा किया जावे तो नबी तो यहां है, लेकिन नबी का हू बहू अगर कोई है तो वो आईने में, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है। यानी इतना अपनी जिंदगी में नबी की बातों को उतार लेवे, इतना अपनी जिंदगी में शरीयत की बातों को उतार लेवे कि उसके बाद कोई शक कोई तरद्दुद की गुंजाइश बाकी न रहे। तो ये वस्फ हमें अपनाना चाहिए, वरना हाल हमारा ये है कि हमारे सामने कुरान पढ़ दिया जाता है, हदीस सुना दी जाती है, लेकिन हम उसको अगर मगर पण लेकिन करके निकल जाते हैं। आपकी सब बातें ठीक है लेकिन ये इसके लायक नहीं है, कुरान बिल्कुल सही है मगर ये इसके लायक नहीं है, तो फिर कौन है इसके लायक? कोई नई मखलूक तो हमारे बाद कोई पैदा नहीं होने वाली है कि वो उसके लायक होगी, हमें ही अमल करना है इस कुरान के ऊपर। तो ये सिद्दीकियत वाला वस्फ अल्लाह जिसको अता करते। इसलिए देखिए, एक मरतबा ये हुआ कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो बैठे हुए थे, उनकी बांदी पानी गर्म करके ले आए और उनका बच्चा वहीं पर खेल रहा था और पानी बड़ा ही गर्म था, उसको कहीं से धक्का लगा या उसका पैर फिसला और वो सारा पानी गिर गया उनके बच्चे के ऊपर, गर्म पानी बच्चे पर गिरा, वो बच्चा चीखने लगा चिल्लाने लगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो गजबनाक भी हुए, लेकिन फौरन बांदी जो थी जो पानी गर्म करके ले ला रही थी उसने फौरन कुरान की आयत पढ़ी कि
माफ कर दीजिए, दर को वाफू वस्फहू के दर गुजर कर दीजिए, जाने दीजिए, माफ कर दिए। हजरत ज़ैनुल आबिदीन फौरन खामोश हो गए, कोई उस पर रिएक्शन और कोई गुस्से का इजहार नहीं किया। ऐसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह अनु का वाकिया भी लिखा है कि हजरत उमर के सामने जब कुरान की आयत पढ़ दी जाती, एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह अनु के जमाने में हुआ यह कि लोग मेहर मेहर में बहुत बड़ी बड़ी रकमें देते थे, बहुत बड़ी का मतलब इतनी बड़ी रकमें देते थे, इतनी बड़ी रकमें जिसका कोई अंदाजा नहीं। जैसे हुजूर के आम तौर पर जो मेहर थे, हुजूर ने जो आम तौर पर जो मेहर दिए उसकी रकम आजकल के हिसाब से तकरीबन 1.5 किलो चांदी के आसपास होती है। और सिर्फ एक मेहर हजरत ज़ैनब बिनते जहश से जो निकाह हुआ था उसका मेहर नजाशी बादशाह ने दिया था जो तकरीबन 2 लाख दिरहम के आसपास वो मेहर बनता है, यानी लाखों में जावे आजकल के मेहर के हिसाब से। वो मेहर हजरत उमर के दौर में हुआ कि लोग लाखों से भी ऊपर जाने लगे मेहर में, तो हजरत उमर ने फरमाया ला तुगालू फी सदुकात, के मेहर में बहुत मुबालगा मत करो, बहुत ज्यादा मत दो। अगर वो औरत अल्लाह तबारक व ताला के यहां मुकर्रम है, इज्जत वाली है, तो उसको इसकी इज्जत मिल जाएगी, इसको बहुत ज्यादा बढ़ाने से कोई बहुत मोहतरम नहीं हो जाएगी। ये एक औरत खड़ी हो गई और हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने से कहने लगी कि उमर, जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया वह आते ही तुम इहदाहुन किंतारा, कि जब तुम निकाह करो तो बीवी से किंतार दो मेहर के अंदर, यानी जो शोहर चाहे वो दो। जब अल्लाह ने कोई लिमिट नहीं रखी है तो आप क्यों लिमिट रखते हैं? हजरत उमर खामोश हो गए और लिखा है हजरत उमर रजी अल्लाह उन्हों की सिफत में कान वक्काफन इंद किताबिल्लाह, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की किताब, कुरान की आयत हदीस कोई सामने आ जाती तो फिर वो अपनी बात नहीं रखते थे, खामोश हो जाते थे। 27 ऐसी जगह है कुरान में, 27 ऐसे मकाम है कि यहां हजरत उमर रजी अल्लाह अनु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हुजूर मेरी ये चाहत है कि आप इस तरीके पर हुक्म दे देवे लोगों को। जैसे क्या हुआ, एक मिसाल मैं आपको दूं। हजरत उमर रजी अल्लाह अनु आए और कहने लगे पर्दे की आयत के बारे में कि आप औरतों से कहे कि ये इस तरीके पर अपनी चादरों को डालकर आया करे। हजरत उमर रजी अल्लाह अनु बात कहकर चले गए। थोड़ी ही देर के बाद कुरान की आयत वैसी के वैसी नाजिल हुई जो हजरत उमर रजी अल्लाह अनु कहकर गए थे। लेकिन क्या जबान से बात निकली हजरत उमर की, हजरत उमर फरमाने लगे वाफ़क़्तु रब्बी, यानी मैंने अपने रब की मुआफ़क़त कर ली, यानी मैंने जो बात की मेरे रब ने जो बात की मैंने भी उसके जैसी ही बात की। ये नहीं कहा कि मेरे रब ने मेरी मुआफ़क़त की, देखा मैंने कहा ना, देखो अल्लाह की तरफ से हुक्म भी वैसा ही आया, ये नहीं कहा। तो ऐसे 27 जगह है हजरत उमर रजी अल्लाह अनु, क्योंकि वो कुरान पर झुकने वाले थे। तो अलगर अजीज बुजुर्गो, ये पहले वस्व सिद्दीक वाला, यानी सच्चाई सामने आ जावे तो वो कबूल कर लेवे। इसलिए फरमाया ना हदीस में कि तकब्बुर किसको कहते हैं, तकब्बुर, तकब्बुर की तारीफ क्या है? तकब्बुर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है इंसान के अंदर लगा हुआ कि अगर वो तकब्बुर करता होगा तो रेड लाइट उसके दिमाग के पास में जल जाएगी कि जिसकी वजह से समझ में आ जाए कि अब ये तकब्बुर कर रहा है। हुजूर ने दो चीज बताई कि अगर ये किसी आदमी के अंदर दो चीज इंस्टॉल हो गई है तो समझ लो कि ये तकब्बुर कर रहा है। किस कौन सी? पहली चीज बतरुल हक व गमतुन नास, हक बात सामने आने के बावजूद कबूल न करे, और दूसरी सिफत लोगों को हकीर समझे। इसका क्या आता है? ये दो सिफत अगर किसी में देखो तो समझो कि इसमें तकब्बुर दाखिल हो चुका है और अल्लाह से पनाह चाहे। तो अगर वो सही बात कुरान की आ जावे तो फिर खामोश हो जावे अल्लाह के हुक्म। तो ये सिद्दीक दूसरी सिफत हजरत, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सिफत है सिद्दीक, इसका एक मतलब तो ये। दूसरा मतलब ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा सच बोलने वाले थे। जाहिर सी बात है नबी है तो ये सिफत तो सबसे ज्यादा इन्हीं में, और बहुत ज्यादा सच बोलने के आदि थे, यानी झूठ निकले ही नहीं, झूठ बन ही ना पड़े। नबी है इसलिए जाहिर सी बात है हमेशा सही बात, साफ बात और सच्ची बात कहने वाले थे, और अल्लाह को ये सिफत बड़ी ज्यादा पसंद है। सच बोलना, हमेशा सच बोलना बहुत बड़ी खूबी है, सच बोलना। इसलिए हदीस में हुजूर ने फरमाया अस्सिद्दुकु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच तुझे कामयाब कर देगा
और झूठ तुझे हलाक कर देगा। एक मरतबा सच बोल देंगे बात खत्म हो जाएगी, लेकिन झूठ फिर जब वो खुले तो उसको छुपाने के लिए झूठ, फिर उसके ऊपर दलीलें, यानी 50 तरह झूठ के अंबार और ढिगले लग जाएंगे। एक मरतबा सच बोल दिया इंसान ने, वो नजात मिल जाएगी। इसलिए एक हदीस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मुसलमान बुजदिल हो सकता है, कमजोर का हो सकता है, बुजदिल हो सकता है, लेकिन पूछा गया मुसलमान झूठा हो सकता है, हुजूर ने फरमाया नहीं, झूठ और इस्लाम ये दोनों जमा नहीं हो सकते। इसलिए एक और हदीस में हुजूर ने फरमाया आयतुल मुनाफिक की सलासतुन, मुनाफिक की तीन निशानियां, इजा हद्दस कज़ब, इजा तुमिन खामा, इजा वादा अखलफ, बात करे तो झूठ बोले, वादा करे खिलाफ वर्जी करे, अमानत रखे तो उसमें आगे पीछे कर देवे खयानत। तो ये मुनाफिक है। उसमें एक सिफत हुजूर ने बयान फरमाई कि सच न बोले जो झूठ बोलता हो। इसलिए मोमिन जो है वो सच्चा होता है। इसलिए 11वें पारे की तफसीर के अंदर बात गुजरी है जहां पर हजरत काब बिन मालिक का वाकिया आया है। गज़वे तबूक के मौके पर वो पीछे रह गए थे और हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि उस गज़वे के अंदर मैं शरीक नहीं हो पाया। मैं जवान था, सवारी भी थी, सब इंतजाम था, लेकिन मैं सोचता रहा कल निकल जाऊंगा, सवारी भी है तो मैं अभी छलांग लगाऊंगा घोड़े की और पहुंच जाऊंगा, लेकिन आगे पीछे करता रहा और हुजूर गए तबूक और तबूक से वापस भी आ गए मदीना, वहां तक मैं निकल ही नहीं सका। अब हुजूर के सामने जाना है तो ये कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो मैं बहुत अच्छे तरीके पर अपनी बात को पेश करके निकल जाते, समझे, सफाई से झूठ बोला, ऐसा झूठ बोलो कि सामने वाले को खबर भी ना पड़े। तो हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे ऐसी जबान दी थी कि मैं अगर बोलता वो बात तो मैं इस तरीके से अपनी बात को पेश करता कि हुजूर सच समझ लेते, लेकिन मैंने उसको छोड़ा और जो हकीकत थी वो हुजूर के सामने रख दी कि हुजूर कुछ प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं थी, बस सुस्ती की वजह से कल निकल जाऊंगा, मैं नहीं निकल पाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कोई भी इनसे बात नहीं करेगा। 40 दिन तक बायकॉट कर दिया गया, कोई बात। आखिरी 10 दिन उनकी बीवी से भी कह दिया गया कि बीवी भी अलग हो जाओ, बीवी से भी बात नहीं। वो फरमाते हैं कि ये 50 दिन मुझ पर इतने सख्त गुजरे, इतने सख्त कि मेरा भाई जैसा दोस्त या दोस्त जैसा भाई, मैं उसके बगीचे के अंदर गया पीछे की एक दीवार कूद कर और मैं उससे बात करने के लिए कि मेरी बात जरा सुन ले, तो उसने भी मुझसे मुंह फेर दिया, कहा कि हुजूर की तरफ से हुक्म नहीं है ये हालात। और अच्छा इसमें ये जैसे होता है ना बाज़े मरतबा कि अपने भी जब तवज्जो नहीं कर रहे और कोई दुश्मन है वो बैठा है बिल्कुल ताक लगाकर और दुश्मन की तरफ से पैगाम, भाई तेरे तो कबूल नहीं कर रही है तुझे, चल तू मेरे साथ आ जा और तुझे ये मैं दे देता हूं। ये इम्तिहान भी हजरत काब बिन मालिक पर आया। गस्सान का बादशाह जो मुसलमानों का दुश्मन था उसने पैगाम लिखकर भेजा कि चल तू आ जा, यानी हजरत काब बिन मालिक से कहने लगा कि आप आ जाइए, आप हमारे साथ आ जाइए, आपके दोस्तों ने तो आपको छोड़ दिया है। तो उसी खत के पीछे लिख के भेज दिया कि ये भी एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, लेकिन कबूल नहीं किया। 50 दिन गुजरे, 50 दिन गुजरने के बाद कुरान में हुक्म नाजिल हुआ व अलस्सलासति अल्लज़ीन खुल्फू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत, जमीन बिल्कुल खुली खुली थी लेकिन इनको ऐसी लग रही थी कि बिल्कुल जमीन तंग हो गई है इन तीन लोगों पर, उसमें काब बिन मालिक भी है। हजरत काब बिन मालिक 50 दिन के बाद मस्जिद नबवी में आ रहे हैं। पहले आते थे, हुजूर को सलाम करते थे और देखते थे कि हुजूर के होंठ हिले कि नहीं हिले जवाब देने में, इसलिए कि बायकॉट है अभी तो। और बाज़े मरतबा नमाज में कंकनियों से देखते थे कि हुजूर मेरी तरफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। ये हालात गुजरे हजरत काब बिन मालिक के ऊपर। लेकिन 50 दिन के बाद हजरत काब बिन मालिक फरमाते कि ऐसा लगा मेरी माँ ने मुझे आज जना, इसलिए कि कुरान में मेरे बारे में तो तस्दीक कर दी। तो सच पर आजमाइशें आती है, लेकिन जब अल्लाह कामयाबी देते हैं उसके ऊपर तो इतनी जबरदस्त वो कामयाबी होती है कि जिस तरीके से हजरत काब बिन मालिक के साथ हुआ। तो अलगर्ज अजीज बुजुर्गो, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ये सिद्दीक वाला वस्फ था, यानी हर सच्ची बात की तस्दीक करने वाले, उसको कबूल करने वाले और बहुत ज्यादा सच बोलने वाले थे। हदीस में सिर्फ 3 जगह ऐसी मिलती हैं जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने झूठ नहीं बोला, लेकिन ऐसी बात की कि जो
डबल मीनिंग थी कि इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है। तीन जगह ऐसे मिलती है हदीस पाक में कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भाई सच किसको कहते हैं, सच कहते हैं ऐसी बात कहना जो वाकिए के बिल्कुल मुताबिक हो, और झूठ किसको कहते हैं ऐसी बात कहना जो वाकिए के खिलाफ हो, ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा कहने, इसको सच और इसको झूठ कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तीन जगहों पर वाकिए के खिलाफ बात की, लेकिन वो तौरिया था। वो तौरिया किसको कहते हैं, ऐसी बात कहना कि जो सच भी हो सकती है और उसके खिलाफ भी हो सकती है। जैसे हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह जब उनको अंग्रेज पकड़ने के लिए आए, अंग्रेज की पुलिस, तो वो उसी मस्जिद के अंदर, अपनी मस्जिद के अंदर झाड़ू दे रहे थे, तो अंग्रेज अफसर आकर पूछने लगा कासिम को पहचानते हो, कहां है वो? तो जिस जगह पर झाड़ू दे रहे थे वहां से थोड़ा सा पीछे हटे, कहा अभी थोड़ी देर पहले यहीं पर खड़े हुए थे। हकीकत है बात, खुद ही खड़े थे वहां पर, और ये बात झूठ भी नहीं है और गलत भी नहीं है और हकीकत में मुताबिक भी है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे तीन मौके पर यह बात कही है। एक मौका तो यह था कि जब अपनी बीवी को लेकर हिजरत कर रहे थे, एक बादशाह के मुतालिक ऐसा था कि वो हर खूबसूरत लड़की को ले लिया करता था, लेकिन जब उससे यह कह दिया जाता कि ये जिसके साथ आई है ये इसकी बीवी नहीं है, ये बहन है, तो बहन अगर साथ में होती तो छोड़ देता। उस मौके पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो बीवी थी मेरी बहन है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में बहन से मतलब दीनी बहन है, दीनी बहन है, यानी इस्लाम जो शरीयत जो अल्लाह ने दी है उसमें तो सब के सब बहन भाई। एक ये मौका। दूसरा मौका जब सारी कौम मेला देखने जा रही थी और किसी ने आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप चलते हैं साथ में, कहा इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, दिल का बीमार हूं, अंदर से बीमार हूं। सकीम का मतलब वो ऐसा बीमार अंदर से कि जो बीमारी दिखाई ना जावे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे ही बीमार थे, यानी कौम की बुतपरस्ती देखकर दिली दिल में उनको तकलीफ होती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो मुराद लिया। और तीसरा मौका जब सारे आ गए घूम फिर के और देखा बुतखाने के अंदर सब टूटे हुए पड़े हैं और सबसे बड़े बुत के गले के अंदर वो कुल्हाड़ा लटका हुआ है, तो पूछा कि इब्राहिम ये आपने किया? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल फअलहु कबीरुहुम, उनके बड़े ने किया है। हालांकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन कहा उनके बड़े ने किया है। इससे मुराद इन्होंने ये ली थी कि कुल्हाड़ा जब उनके गले के अंदर लटका हुआ है तो जाहिर में यही लग रहा है कि इसने मारा होगा। तुम्हारे गुमान के मुताबिक तुम तो ये समझते हो कि ये सब चल फिर सकते हैं, उठ सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, तुम्हारी बिगड़ी ये बनाते तो इसने ही किया होगा। तो ये तीन मौके थे जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौरिया का इस्तेमाल किया था। जैसे सफर हिजरत के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक जगह पर गुजरे तो एक शख्स मिला हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु को, और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछने लगा कि आपके साथ कौन है? और वो जो जमाना था उस जमाने के अंदर मक्का वालों ने ये इनाम रखा था कि नबी जहां भी मिले उनको पकड़ कर लिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु से पूछा कि ये कौन है आपके साथ? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बहुत प्यारी बात कही, फरमाया कि रजुलुन यहदीनी सबील, ये मेरे साथ ऐसे आदमी है, ऐसी शख्सियत है जो मुझे रास्ता बताते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में था दीन का रास्ता बता दे, सामने वाला समय कोई गाइड होंगे, यानी मदीना जाने का रास्ता दिखा या कहीं जाने का रास्ता। तो ये वो मौका था। एक मर्तबा इमाम इब्ने जौजी से किसी ने पूछा, ऐसी मजलिस में जिसमें शिया भी बैठे हुए थे, सुन्नी भी बैठे हुए थे, तो उस मजलिस में पूछा कि हजरत अली अफजल है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु अफजल है? तो इमाम जौजी ने बहुत प्यारा जवाब दिया के अफजल सहाबती मन कान बिनतुहू फी बैती, के सहाबा में सबसे अफजल वो है जिनकी बेटी उनके घर में है। सुन्नी समझे कि अबू बकर उनकी बेटी हुजूर के घर में, शिया समझे कि हुजूर की बेटी हजरत अली के घर में है। तो ऐसा कभी झूठ बोलना हो तो बहुत सरी ना बोले, यानी कहीं ऐसी जगह है कि जहां पर बिल्कुल गलत बयानी हो सकती है जिसकी वजह से कोई खतरा हो सकता है, तो बिल्कुल सरी झूठ ना, तौरिया जू माना जो लफ्ज हो उसकी गुंजाइश है। तो अलगर्ज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह सिफत थी कि वो बहुत ज्यादा सिद्दीक थे। اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل على محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك التقوى المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين
جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحم الراحمين। हमारे इस चैनल को अनवार मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्त अहबाब में एक सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें।